अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का। ये हमने चिकन के स्लाइसेस लिए हैं, इनको हमने बीच से काट लिया है, आप देख सकते हैं इसको इस तरह। ये हमने आधा किलो चिकन के पीस लिए हैं, बोनलेस पीस। इसमें हम जो ऐड करेंगे वो अपने ये स्पाइसेस हैं। ये हमने 1 टेबल स्पून चाट मसाला लिया है, 1 टेबल स्पून हमारी कश्मीरी मिर्च है, 1 टेबल स्पून हमारा ज़ीरा है, 1/2 टेबल स्पून हमारा नमक है, और एक ब्लैक पेपर है 1/2 टेबल स्पून। ये हमने अजीनोमोटो लिए, ये भी 1/2 टेबल स्पून है। कुटी हुई मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून है हमारी। लाल मिर्ची का पाउडर है, ये 1/2 टेबल स्पून लिया है। नेक्स्ट हमने जो लिया है ये 1 कप हमने दही लिए, हमने इसमें 2 टेबल स्पून हरी मिर्ची डाली है पीसी हुई। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये अपने स्पाइसेस सारे मसाले, मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। इसके बाद हम अपने चिकन ऐड करेंगे इसके अंदर। चिकन को हमने पतले पतले स्लाइस में काट लिया है, ये देखो। हमने इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, ऐड किया है ऑयल। अब उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें ये हमारा हॉट सॉस है, ये ऐड करेंगे। टू टेबल स्पून के करीब हमने अपना हॉट सॉस लिया है, मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। चिकन हमारी अच्छी तरह मिक्स हो गई है, इसको हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए। उसके बाद हम इसको फ्राई पैन पे फ्राई करेंगे, आप लोग देखिएगा। मिलते हैं 1/2 घंटे के बाद, सॉरी 1 घंटे के बाद मिलते हैं। चलें, ये देखें व्यूअर्स, 1 आवर्स हो चुका है हमारी चिकन को मैरिनेट कर हुए। अब हम इसको फ्राई करेंगे, चलें देखिए स्टार्ट करते हैं फ्राई करना। ये देखें व्यूअर्स, हमने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, फ्लेम हमने अपनी ऑन कर ली है, देख सकते हैं आप। अब इसमें इसको अपने चिकन रखते जाएंगे, चिकन के जो स्लाइसेस हैं देखो, इसको ज़्यादा खा रहे हैं आराम आराम से। 2 पीस हमने रख दिए हैं, ये हमने अपने सारे स्लाइसेस रख दिए हैं। हम अपनी फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर देंगे, ये देखें व्यूअर्स, पहले हम 5 मिनट तक थोड़ी सी तेज आंच में रखेंगे, उसके बाद हम अपनी आंच थोड़ी स्लो कर देंगे। ये देखें व्यूअर्स, चिकन हमारी पलट दी है, ये पानी भी हमारा खुश हो गया है सारा, ये आप देख सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, चिकन टिक्का हमारा कितना ज़बरदस्त फ्राई हुआ है, ये आप देख सकते हैं। पानी भी बिल्कुल फ्रेश ख़त्म हो गया है, बिल्कुल खुश हो गया है। अभी थोड़ा सा मसाला बचा था जो अभी ऊपर से इसकी कोटिंग कर रहे हैं, देखना बहुत ज़बरदस्त बनती है ये, और बहुत मज़े की इसको पराठे के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त लगेगी। केचप मायोनीज के साथ, चटनी के साथ अपने मेहमानों के लिए बनाएं, ज़रूर पसंद आएगी उन्हें। ये हमने स्लो आंच पे रखी थी कवर करके, उसके बाद हमने पलट दी थी, ये आपके सामने पलटी है अभी हमने। अब ये दूसरे साइड से भी पूरी पक जाएगी, देखें। और ये जो हमने मसाले की एक बार ऊपर से कोटिंग लगाई है, एक बार और पलट के फिर उसके बाद ये रेडी हो जाएगी बिल्कुल। ये देखिए आप, फिर आपको दिखा दूँ यहाँ से, ये चिकन बोनलेस पीस है, टिक्का चिकन है हमारी, बहुत कुछ बहुत ज़बरदस्त आ रही है, बस दिल कर रहा है मेरा तो मैं अभी उठा के इसको खा जाऊँ। देखें और ये निमरा ने इसको पलट दिया है एक बार और, जो हमने कोटिंग लगाई थी, बस ये अभी 2 मिनट में रेडी हो जाएगी बिल्कुल, फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा चिकन टिक्का बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। ये देखें आप, इसको इस तरह डेकोरेट करें, अपने मेहमानों के साथ सर्व करें,
मेहमानों को सर्व करें, मज़े से खाएं। ये हमने पराठे बनाए हैं, पराठे के साथ खाएंगे। आप लोग भी पराठे के साथ खाएं, आपका जो दिल करे। अगर आपको हमारी चिकन टिक्के की रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर ट्राई करिएगा घर में, अपने घर वालों को खिला के खुश करें। नेक्स्ट टाइम हम नई वीडियो के साथ आएंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।